बुराई मंदरी बनाए। अरे आप मिले हो तो बलि होवे ना, राम जी है, ए लक्ष्मण जी है, और थारी मदद कर। सुग्रीव बड़ो राजी हो, दिन घड़ी दिन बाद आप हमारे घर पधारी आ रही हो, पर मारी लुगई है अटो हाथ 1 किलोमीटर दूर जो गांव है पंपापुर, बट मारी लुगई है मोटे भाई कने और आप। हां भाई आप थोड़ी देर आ जाओ, मदद कर दो। राम जी के गरा करू घर भगोड़ो दुगड़े याद, अगर गरा करू घर भगोड़ा दुगड़े भी आ गया में कौन जी, अगर अपना लागोड़ी बहन दुगड़ डर लपे नहीं पूछ सका हैं। राम जी कहे भाई थोड़ी तो हाथ को माते बैठी है और मोड़ली कट बैठी थाए में, तू भी दुखिया मैं भी दुखिया तेरी बात दलाए। चुराई थोली तो बेटर बाप अपना हाथ को माथे बैठी है अने मौली हाथ समुद्र अड़मान जी सुग्रीव अड़मान जी हमें देख मगन जी सुग्रीव अड़मान जी हमें देख परवान के अड़मान थूं के मारी मदद करी ए तो मारू हल्ला दुखी है कॉफी दे लो रखो रखो के मारू तो हल्ला दुखी है अरे की कर के तो के थोड़ी तटन मौली उठे तो और रामायण में हिंसा अर्जुन सा और रामायण में मगन जी अरे तीन बार आयो है, अगर तुम विश्वास नहीं तो पढ़ लीजो कि जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो तेरे को दिखता था। अड़वान जी कहवे सुग्रीव तो कहे थन दिखे नहीं साधारण एड़ा है कोनी जगह है जगह पे थन दिखे कोनी
भगवान अवतार है, नर लीला कर रिया है और इन वास्ते रावण की आगो कोनी पण नर लीला करे पण तू पग पकड़ ले थारो कौम पको हाथ जोड़ चरणों में पड़ी हुई दया राम ने आई राम की दया सागर के भाई पहला ही लुगाई डबरिया दे दो अपवाली पर हो देख जाए भाई सुग्रीव ने कहे सुग्रीव जा हां बड़े प्रेम से सुन जाओ अब ये बात मार कर रहे कोई पूछ ले थाने और काय ते होनो तो अनु हुई पा तो पूछ तो फन था पड़ दो मंटा पड़ रही होनो कि नहीं होनो हैं तो सुग्रीव ने कहे सुग्रीव मैं लक्ष्मण ने मेलू हाथे और तू युद्ध कर तू हार तो दे के लक्ष्मण सारी मदद करी तो मगन जी मार जड़ो कोई ठाकुरो आदमी में लर खिंजी जड़ो पावर होवे नहीं तो नहीं बोले तो वो ऊंचो बोले जान का बाले बारे मैं थारू युद्ध करू बाली कह रहे बीरा जन्मो आज तक पे हम को जो नहीं आज तू मन ललकारे बाली पड़ियो मगन जी सुग्रीव री एड़ी पंडोली काडी एड़ी काडी जो मोर कर दिया डबल लूटी वाला जी अरे और लक्ष्मण जी आगे उबो वो देख लड़ाई दोनों एक ही कहा सुग्रीव पातो राम जी कने जान के बाप जी एड़ी मदद कराओ के क्यों अरे भेड़ा बेदान कुत्ता यो के की कर के तुलसीदास भगो भगवान ना हरि चरणा बलियारी अरे वो मूर्ख मोय मारन लागो उबो उबो देखे थोर नैन क्यों वो कूट कूट मोर कर दिया डबल डियाल दियो थोर भाई अबो गुड़ देखे लक्ष्मण जी के राम जी के की कर लक्ष्मण थन के वास्ते मिलियो के मदद वास्ते क्यों नहीं करी लक्ष्मण के बाप भी थई उठ देखते ही रहता अगर जाओ तो क्या क्यों क्योंकि दोयो भाई और मेरे अंदर तो कोई फर्क नहीं दोनों ही डबल रोल हम उन्हें चक्कर में मैं इन्हें बाद दूं तो अपन मदद कौन करे मैं तो इन वास्ते को भाई राम जी क्या की कर हुकरी हाथी बात है हां तो भाई हाथे कर बदल गड़े पहला कहना तो हमें क्या हमें तिलक काड़ो कर दे गले में माला पहन दे मने ठाप कर दे माला वाले तिलक काड़ो सुग्रीव और तू पा दो सुग्रीव के बाप जी हम के हाथ पे हंदेला कोनी राम जी ऊपर हाथ दियो तो दर्द हैंग मिट गयो उनका बात जा और सुग्रीव बाली ने बार लेना और भड़क सुग्रीव जान का बाले बारा बाली कह रहे हमार तो हाड़ का भमयान एड़ी की बेला लगी पीन आ गयो जो हाथो हाथ हंद का अब धके सुग्रीव लारे बाली जंगल में जावे तो ताड़ रा पेड़ होया के सरप रे ऊपर भगवान अंगूठे रूप में बाहर दे पूंछ रे माते जनो सरप जमीन में सीधो वे हाथ पेड़ पीन रे भगवान पूंछ ले पर बोन चला जो बाली लाग दी छाती माते तो रा प्रतिमा जब पड़े और बाली प्रतिमा जब पड़े राम जी कने जाए उन टाइम बाली कहण लागो अरे मैं बेही सुग्रीव प्यारा कोन कारण मोए मारा हे प्रभु मैं बेरी हां भाई सुग्रीव इतो प्यारो मैं थारो कई बगीचो उजाड़ियो कई बिगाड़ कीनो जो मने मार दियो एक शेर ने मार दियो और एक गिदड़ी थे रक्षा करी और थारो कई मदद करी ओई तो प्यारो फिकर होयो थारे अरे सही ने दणो कोनी ने मने दणो कोनी मने हुकुम दियो तो रावण ने गुली पकड़ लियो तो रावण ने 6 महीने में खाक लगाके हा को ले उन नो मारो बाली और तू मने मार दियो राम जी की रे तू पापी है के क्यों अरे पापी थारो मुंडो देख रे पाप है क्यों राम जी कौन लगा थने मारिया पाप नहीं लागे अरे तू राजा हतिया
लागू। तो राम जी के तू पापी है। क्यों पापी है? कि थने मारिया पाप नहीं लागे। तू राजा हथियारो छोटे भाई री नार तुरई कर दे के बाली मुक्त तुम्हारो। ये बाली छोटे भाई री नार बहन बेटी बराबर बैठे घरवास कहियो इन वास्ते थारो मुंडो देखड़ी बड़ो पापी। फिर भी राम जी कहे बाली के प्रभु थे मारे थे मारियो पर थे खुद ने क्षत्रिय को थारो बाप दादा कौन जो छोने छोने पण बाप था सच्चे कुल में ओ धर्म को नी बाण धगो कर मारियो अरे सन्मुख होए ने कर तो लड़ाई तो जोई ले तो रामा जोर तुम्हार हो मैं साथी आ तो खा पड़तो राम जी के मन था है हम साथी अब जड़ तू है कोनी क्योंकि बल पण हमलर खेस दे। फिर भी राम जी के जीवे तो थने बड़े जीवे दू कर ले राजकुमार बाली के प्रभु जियो जगो गणो अन मारा एड़ा कर्म जो राम जी रे हाथों मारो संस्कार वे क्योंकि दशरथ जी रे राम जी रे हाथ नहीं लगा लेकिन बाली रो संस्कार राम जी करियो। लेकिन बाली स्मरण में पहला कहे प्रभु मारे प्राण निकले उसे पहला मारी विनती है कि कहीं के जद आप लंका में जाओ तो मारो पुत्र अंगद और आप सेवा तो मगन जी पहला रीति जिन राजा रो ध्यान तो जातो नहीं तो तुरंत दास संसार के बाद दूसरे राजा ने राज तिलक देता अटिनो बाली रो संस्कार कारण सुग्रीव ने राज तिलक देन लगा तो सुग्रीव रो कालियो तिलक मिटे ही कोई सुग्रीव कट कट फूटे। राम जी का कहे रे के बाप जी मुंडो कालो है गोरो को है। राम जी के भाई ने मरा जकर मुंडा काला ही है अड़ाई रे गोरो वे कोन को देख लो काली मुंडा वाला बोंदरा फिरे रेख नहीं फिरे। अटिनो लक्ष्मण कह रहे सुग्रीव सारा राज पाठ हैंग मिलगा पण हमें मोड़नी तो मदद कर के काई भूलियो किकर वीरा हमें वही है डर कोनी के धार लुगाई ने बड़ कोई ले जाई जब ले जावणी उनी मार दियो तो हमें देख तो सुग्रीव सेना बनावे मगन जी केड़ा केड़ा देख दो बंदर केड़ा केड़ा नल नील सार शीर हेमंत इंद्रिस पवादिस जामत अंगद हैं अरण वरण ए मोटा मोटा बंदरिया समुद्र किनारे आवे है 100 योजन पानी पड़ियो कितो 100 योजन 100 योजन कितो है एक योजन में 4 कोस 400 कोस यानी 1200 बीकानेर टू पूना 1200 किलोमीटर राइट बीकानेरू पूना बराबर 1200 किलोमीटर है। अब तेरो बिग बूढ़िया कंटा है कुंटर फेंकू दो दो कुंटर फेंकू कहता को कहता है जो वे बंदरी आजमाइश करे वो कहवे उठे गान सेनापति ने इन दिस बोल पवा दिस बोलियो 50 योजन कूद जाऊं इन दिस पवा दिस दो बंदर हां बे के मैं कूदो तो आज के जात पर बीच कोई भाकरी तेज ले तो हुंकारो कान तक जाऊंपरा कोई के हाट और कोई के पिचर तन कोई के 25 के 30 जण जम मत बुड्ढो बोलियो 80 योजन कूद जाऊं जम मत भालू रीचा बे के मैं घणी फंदा कमारू तो 80 योजन कूद जाऊं बुड्ढा को आ गयो मैं अंगद के मैं जा सकूं लेकिन आ नहीं सकूं नल नील के हितर नहीं जाता पण तो दूजो कोई नहीं जा सके क्यों कार्य पूरा नहीं वेड़ कौन नहीं आवे जामन जी के कोई नहीं जा सको हनुमान जा अंगद के हो तो हनुमान तो जमी कुतरे के भाई कुतरे इन वास्ते कि बचपन में ऋषि रो श्राप लागो बड़ भूलनो तो बड़ याद आओ तो आज भी देख लो मैं कह रही टूटा फूटा गाता हूँ थे कही ना अरे संतों तो मैं रात है हटा कोई खेत में डोका पाड़ तो है ना हमारे घमंडिया धार धार कोई डोका और कारीगर कौन तो एक जगह दो कुमात ले बोकार ने फर्क पड़े हैं हैं बोकार ने फर्क पड़े कि नहीं पड़े दोस्त बनता तो कहीं करा कि बड़ी याद ना रख पड़ी तो पूरी सेना भेड़ी होने के जा हनुमान जा हर मायने बात शक्ति है बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो काई सुत्रास भयो जग को संकट कोन तो जातन दारू देवन आन करी विनती तब छाड़े धीरो कवि रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम हे वाला दिवा जो सूर्य ने किरण सहन कर ली ग्रहण कर ली सूर्य ने ग्रहण किरण सहन ली में उन्हें थे मुकार बद में प्रवेश कर लियो अंधारो करियो तीन लोक में वास शक्ति था में इतो कयो ने मगन जी हनुमान जी ने जोश आयो जय श्री राम शरीर बढ़ाओ हरू करियो टेलीफोन टेवर जो बढ़ते ही ले और राम जी चरण में प्रणाम कियो और क्या प्रभु ओ कार्य मैं करूला और जब तक माता सीता रा दर्शन नहीं करूला तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूला। इतो कठिन परम करण वाले जी रवन वेन कहीं तुलसीदास जी लेकिन
अरे बदी रंग दे हरी रो बीड़ो रे उतायो ए बाबे हुकम जोटायो रे बदी रंग देवता लोग देख रहे हनुमान पुराण बहुत कठिन करते और राम जी कार्य कर सके या नहीं कर सके परीक्षा तो परीक्षा वास्ते परीक्षा तो हम तोड़ता है अपाई दी हो कोई स्कूल में मगन जी मन के याद आ गया कोई परीक्षा चलती मौखिक परीक्षा मार सार सवाल पूछ जो छोरे ने के बता बेटा राष्ट्रपिता का नाम कहीं है के महात्मा गांधी के संविधान कब से कब लागू हुआ के 1947 से 1950 के टीवी रेडियो टेलीफोन मोबाइल है गुरु कृपा साउंड है इनका आविष्कार किसने किया के वैज्ञानिक ने किया ने वैज्ञानिक कर रहे अब होशियार लड़को तो बाहर निकल गए मगन जी मार दे ठोटियो नुरा ठोटियो होशियार ने पूछते रे मार सार साहिब पूछते मो वो इशार करे थंकियों देन करे तीन प्रश्न पूछी तीनों उत्तर मने याद के कहीं के पहले उत्तर महात्मा का दी थी दूसरे रत 1947 1950 के थी तीसरे रत वैज्ञानिक खोज कर टोटियो के मैंने टेंशन बंदो पक्को फौज जुगुल पास पण मगन जी आठ आ के प्रश्न सही अरे और मौखिक में तोंटा प्रश्न सेंस दे मार साहब आगे पेश हुए मार साहब पहले प्रश्न पूछे बच्चे बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है ठोटियो जोर के महात्मा गांधी मार साहब वो गांधी जी रे बेटा थे हो यो इतना दिन कटे हां थे गांधी जी रे बेटा वजन थोर जन्म कदो यो के 1947 1950 मार साहब डंडो हाथ में ले के थार दिमाग रो कहीं हो के मार साहब वैज्ञानिक खोज करिया हाल पतो को लागो अपने अपने दिमाग की बात है तो हनुमान जी महाराज देवता देख रहे परम कठिन कदी परीक्षा करो तो परीक्षा वास्ते किने मिले सुरसा आई नई देवी सर्पों की माता हनुमान जी महाराज आकाश मारो उड़ता वे छाया रुक हनुमान मैं तुम्हें कहूं हनुमान जी महाराज के नहीं 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 हमार नहीं मैं मारो काम करने जाऊं तो कोई खा ले लेकिन मैं प्रभु राम रो कार्य करने जा रही हूं सुरसा ने हनुमान जी महाराज की कड़ी में गया करे अरे लंका में जावन दे लंका में जावा दे ओ कड़ी लंका
अरे मारे काम जरूरी पड़ गयो रे लंका में दामन दे। जरूरी है कई काम है के रामचंद्र जी सीता नारी हर ले गए रावण बलकारी पतो लग राम जी के घरों जो सीता माता है बाने रावण लेन गयो है बारी खोज खबर कर और पाता राम जी ने हमता रोना पत मैं थारे कहना हूं थू मने हा लिया बासुर सा के थो लंका में किता दिन ठहरे पत राम जी खने आ जावे मार कने आवे कि नहीं आवे मैं तो तने हमने खाऊं हनुमान जी के मान जा करिए का नहीं मैं खाऊं हनुमान जी का मान जा करिए का नहीं खाऊं हनुमान जी का खाऊं का कर खाए ले। अब सुरसा एक योजन में मुंडो पड़े मगन जी हनुमान जी डबल सुरसा चार योजन में मुंडो पड़े हनुमान जी आठ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासी कपी दूल रूप बनावा हनुमान जी महाराज डबल रूप करते करते सुरसा आठ साठ योजन हाट योजन बापो फाड़ियो अब मगन जी थोंटा मोटो बापो फाटा दन भेड़ो होते की जे लागे है जेड़े हनुमान जी बड़ा छोटा रूप कर परन एक दो मत माते आधो आधो घंटे घूम परान गेट माता बढ़िया पासा मुंडो भेड़ो होयो हनुमान जी के की कर नाश्तो पानी होया की चारो समकल होया की दिपरो होयो की उन टाइम असली रूपान सुरसा के हनुमान मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ माने देवता लोग पटाई आप परीक्षा करने वास्ते और जाओ हनुमान आप लंका में जयजयकार वेला अब विजय होकर लौटला अब हनुमान जी महाराज तू विजय आशीष पा रवाना होया तो हनुमान जी बलवान आ तो बुद्धिमान गया और मगन जी आजकल आदमी बुद्धि वे तो बल को वे नहीं बल वे तो बुद्धि को है ए मोटा मोटा अफसर वे तो ठाकुरा वे खेती करे है था क्योंकि वे बुद्धि रो उपयोग करे ना पर बल हनुमान जी तो थोने अगर मने कह दियो वे कृष्णा स्तर में मगन जी रहे और मारे कृष्णा स्तर नहीं देख रहे वे मगन जी नहीं देख रहे वे हमें तो साधन गणा है था और अगर कृष्णा स्तर नहीं देख रहे वे मगन जी नहीं देख रहे वे तो हूं बोले मगन जी ने तीन बार कनो फिर जाऊं तो मने ठा थोड़ी पड़ी है मगन जी तो हनुमान जी ने तो लंका देख ली न सीता माता देख ली हम हनुमान जी देख ली लंका ही लंबी थोड़ी खोज करो तो करो की कर पर मगन जी एक घर घर टूटियो हमें हुई है पहला गांव रो पनगढ़ एक जगह रे तो कुओ है बावड़ी है तालाब है हैं और हनुमान जी महाराज पनगढ़ माता आसन लगायो है और सुबह सुबह लुगाई आई है और कहीं बोली अरे पानी भी पानी यारन बोली कौन जिना मरे आयो पानी भी पानी यारन
ते कबूतरू गुरवा लावी ओ नदी ना राजा राम लायो छठी के बैठी के हाथी के अशोक वाटिका में बैठी अड़माजी महाराज के खोज खबर तो लाज बिगर पूछी खोज खबर तो अब मगन जी हनुमान जी महाराज थोड़ा आगे और जी और अब मगन साहब कभी लिखन लागो हनुमान जी महाराज मस्तक रूप धरे हनुमान मस्तक जी तो रूप धारण कर और लंका में प्रवेश करियो है तो एक लंकनी नामी गेट में पहला कहता पोरेदार हमें कहने लागे वॉच में बात आ गई पोरेदार जो हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगा लंकनी नामी राक्षस का खबरदार मेरे आगे बिना प्रवेश निषेध है हनुमान जी महाराज की वारी रावणिया थारा पोरेदार इतना चतुर है धूं जानी कहते ही भला हनुमान जी का देख पाया मन रोक मत के ना मेरे होते नहीं जा सको हनुमान जी महाराज घुमान दे मुके जोगपति सी बारे तो कौन जी के लंकनी ने हरा पो मोन जी के दिन दिन बोंद रे रात्रि पड़दा नहीं उन दिन हम दे लंका रो नाशवान गुरु बो नहीं होगी कलम रिव्यू पढ़ के देख ले तो अब कहे अब लंकनी ने बट छाप पड़ गयो के हमें रावण ना एंड टॉम जोम रेवण ना रावण ना टॉम जोम रेवण ना नहीं है हां ईर्जी अगर दो रे ईर्जी नाम है हां पारे ईर्जी हीरे मु कम नहीं है तो लिखे अब पूरो मेल देख परो रावण ना पूरा घरों का देख देखा हनुमान जी महाराज बगीचे की तरफ आवे तो मगन जी एक साइड नौ तुलसी रा श्याम तुलसी रा पौधा एक नौ साइड नौ राम तुलसी रा पौधा पीपल पड़ नीम नारायण हेदड़ी ए मोटा मोटा पूज्य पौधा लागोड़ा और एक कुटिया बनोड़ी और कुटिया रा मां निकलो राम 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 निकलो मन में विचार करियो रे अटे मोटा मोटा जट्टो वाला नको वाला राक्षस रेवे ओ राम भगत कौन है हां अटे कौन हां और राम भगत कौन है अगर राम भगत है तो मैं राम जूनी गाऊं तो अर्जुन जी बारे जरूर आई तो तुलसीदास जी चौपाई में लिखे हैं विप्र रूप धरी बैठे हनुमान जागर है और अपने सब बालाजी के हाजिर अरे मारो एक निवेदन है सबों आज बार सिर्फ दो मिनट दो ही नहीं एक मिनट सब एक बार और मुने राम राम निकल जाए तो थारी हाजिर बालाजी के जागर में लाग जाए सभी बोलिएगा जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम
कोई गांव में महाराज कथा करता और महाराज के बायो बोलो रघुपति राघव राजा राम पति पवन राम दिन में बिन कथा का मन लुगाई हली आ गया। तो पहला बोल दिया मैं थे आप भटवर राम राघव गोविंद गोपाल एक लुगाई रे पति बनाओ मतलब सीताराम और पहला लुगाई धनीर नाम लेती को हां और वो महाराज के रे भाई मरक में जाई राम जी नाम ली नहीं दे अब वा डोगरी होते सीताराम सीताराम क्या होता घड़ी की उम्र कम हो जाए और राम जी नाम नहीं लाओ तो नरक में जाना पड़ी हम करूं तो ही कहीं कहीं तो जय हो। तो मगन जी महाराज तो बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम और वा डोगरी कह के रघुपति राघव राजा राम मारे बापू के पापा राम ही राम सीताराम टाल दे और तो नाम अटके कोनी नहीं अपन कोई जेठ और राम है कोनी एक बार बोलो रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सियाराम ब्राह्मण ने ब्राह्मण गुण धारण कर और राम ध्वनि गावन करी कहीं कई ध्वनि रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम 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 ध्वनि गई है धुन सुन विभीषण बाहर आया विभीषण जी बाहर आया देव जो महाराज है कोई दंडोत प्रणाम किया हनुमान जी के आप विभीषण के मेहमान को खेल लागो मैं तो अटल दू पर थे कोनो हनुमान जी के मैं हूं जगत हूं पहला बताओ थे कोनो थे कोनो बताओ विभीषण के मैं रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान बालाजी कह रहे वारे प्रभु सावरिया तारी लीला तो अजब निराली हां अटे दाता ने दीजे एक भाई हम छाती गोडा जुड़े राम जी बैर गड़ बैठो और एक भाई राम जी प्रेम वारे सावरिया एक जीवन में दो तलवार अब हनुमान जी मन में विचार करियो जी ओई राम भगत अपनी राम राम और भगत भगत में भेद नहीं होना चाहिए अगर भेद होता है तो वो भगत बना नहीं है अष्टी रूपान जय श्री राम मैं राम दूत हनुमान और माँ सीता की खोज में आयो पण भाई मैंने एक बात बता कहीं के थारे अरे मोटा मोटा मगरमच्छ नर पक्षी लोग रहे मोटे मोटे दांत वाला हिंग वाला चट्टो वाला हैं और हैं मांस पक्षी लोग रहे हैं पर तू एक लोट राम भगत रहे की करे विभीषण के बाप जी मारी होनो दया काई की कर के होनो तो विभीषण के मैं की कर रहा हूं सुनवा पवन सुत रेन अमा अरे सुनब पवन सुत रेण हमारे ओ जैसे दंत बिद दीप बिचारे सुनब सुनव पवन सुत रेण हमारी जैसे दंत बीच जीव बिता जा आ दंतर बीच जीव रहे क्यों रहे ईर दी जीव में हाड़ की नहीं है पण आ बेटी हाड़ का भंगा दे जीव में हाड़ की नहीं है पण हाड़ का भंगा दे थोड़ी गदली बोली तो
और विवेक सिंह के हे पाला जी भगवान लिस्ट में मारो नाम है ही नहीं कद मारो पर कृपा कर ले कोई उनते हनुमान जी महाराज के सुनो विभीषण प्रभु की रीति भगवान हमेशा सेवक मत राखे प्रीति भगवान रो भगत है उन माते भगवान रे हमेशा दया विभीषण का पाले पहला परसो को तो पण हमें पक्को है क्यों अब मोए भाव भरोसा हनुमान थारा दर्शन करा दिया दर्शन दुर्लभ है मगन जी तैयार करो तैयार करो कहे अब मगन जी हनुमान जी महाराज विभीषण कहे हे विभीषण तो लाल बात पत कर दे माने पर मैंने सीता माता रो पूरो एड्रेस पतो बता तो पहला कंटा गांव नाला ही थी हमें कहता हमें गावे नेवड़ा वे के रावण ने के रावण के सीता ने के थने रोनी बना दू मनोदरी ने दासी बना दू रावण ने ऐसा कभी नहीं और जब जब रावण सीता से मिलने गया तब तक अपने अलावा सब और से साथ में थे और रावण एक ही बात कहतो कहीं हे जनक लली सिया एक नजर मारा हम देख ले तो मारो कल्याण हो जाओ क्योंकि तू सती है और थारी नजर पड़ते ही मारो कल्याण हो जाओ मारो राशन कार्ड बन जाओ लेकिन सीता जी एक दाब रो तिनको ले डरावती के सुन रावण ये वही रघु का बाण है तो तीन लोग में तेरा पूछा नहीं छोड़ा तो ये अब कौन रच पड़ने वाला है तेरे को तो इसी बाण से तो विभीषण एड्रेस देवे के रावण ने मेल सो 100 किलोमीटर दूर की तो 100 किलोमीटर दूर अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका रे मायने नवल बाग है और नवल बाग रे मायने कदम रो पेड़ है और बट एक सीता माता विराजमान है और त्रिष्टा नाम राक्षसी एक का विभीषणा के विभीषण के त्रिष्टा नाम भी एक राक्षसी जो हमारी बेटी है वह माता सीता की सेवा इतनी बात सुनी हनुमान ते नवल बाग में आयो कद बडाण में से सीता बैठी जाय मुंदड़ो सीता रे गोदी पड़ी सीता देख देख पहचान जान सीता देख कहे देख मुंदड़ो धुरवा लागी कौन जिनावर लायो लायो तुलसी सास भजो भगवान सीता रे लेणो नीर तुरत झड़ा ए माताओं है नी ए बहन बेटियों है मगन जी इयो जी तो कोई कठोरी नहीं है ये जी तो इयो जी तो कोई कम नहीं है पीरो कृष्णा सर है अनहार बाड़ में और पीर रे घर तक वो नीमड़ो है और नीमड़े रे पता ले जान बाड़ में बता जान के अन की है पण घर वाले नीमड़े रे पता है तो वा पता दे गन ए मारो नीमड़ो अरियो मजा उठे नीमोले खावते ना खावते हैं ये तो कोमल जीव है और मारो जीव है अगर बेटो कह दियो नहीं एक घंटो लेट आऊ और वो एक घंटे से तीन घंटा कह दियो नहीं तो दो घंटों में अम्मा हजार धाव बोल दे अजय को नहीं हेडो पड़ की वाला यो की वाला यो सीता माता वो बूंद रो देख देख पहचान गए और मन में कड़ी करुणा करने लगा कहीं तुलसीदास जी ने अरे सीता देख कही पहचानी सीता देख कही पहचानी
या तो हमारा राम जी है नहीं, या मारा कोई राम जी रहते कोई बात को बड़ी कल्पना करने लगा। हनुमान जी शरीर भी तो इंस्टेंट देखो डेड मोटरो शरीर गिरियोड़ो कदम रहो रहो बैठा। हनुमान जी मन में विचार कियो मां बड़ो विलाप करे। हनुमान जी कदी डेड मोटरो रूप कर को धके आया। जय श्री राम। सीता जी के तू कौन भाई कठो आयो और तू है कौन? उनते हनुमान जी महाराज कहने लगा मैं तो रामचंद्र जी रो पाया मैं पर करी राम की कृपा जद मैं लायो मुंदड़ी ए मां मैं मार बल बूते मत नी लायो मारो प्रभु राम री कृपा जन ले रायो जन ले रायो। सीता जी कह रही थून बड़े राम दूत। हां ये तो है नाम है सिकल तो दे दे अरे बेटरा बाप। हां समुद्र पार पक्षी रे पंख थाक लावे मैं आई हूँ रथ में पुष्प विवाह में मैं आई हूँ और रथ में मैंने कई पक्षी बैठा बैठा ही थाक जाओ समुद्र में पड़ जावे और तू के मैं रहूंगी तू थारे पहुंचे ही कौन है तू आयो कठू या तो तू रावण ने भेजो कोई गुप्त रहे या तू कोई रावण खुदो खुद क्यों क्योंकि केड़ा नाटक रोज रावण घणी कर कर जावे जो मोहन जी रोज नाटक कर कर कौन डरतो अभी कौन है? सीता जी कौन लगा? मैं तो नहीं जानू तो ये पीर मैं तो नहीं जानू तो ये पीर मैं तो अरे तू तो है कोई अलगीर तू तो अरे अपने किस विधि आवे तीर माने अरे तूने राक्षसी माया चल कर लायो मुंदरे
चल धीर मन किस भी दावे धीर तूने करी राक्षसी माया छल कर लायो मुंडड़ी तू कोई छल कपटरो है अड़मा जी महाराज के मां मैं कोई छल कपटरो नहीं हूं 18 पद्म सेना है मेरा तो तुम कहियो जो राम जी री 18 पद्म सेना रे मारे अड़मा जी महाराज कहवे मारे ऊपर असीम कृपा हुई जो राम जी मैं आयो और हे प्रभु आज घड़ी में टाइम नहीं देखना पूर्व प्रसंग हो टाल नहीं जानो कहवे मगन जी हनुमान जी महाराज के मारे ऊपर प्रभु की कृपा उजत लायो सीता जी के हरि होम देखा तो रोज आवे है अन थू के हूं लेन आयो थारे शकल तो देख शरीर देख ले लगे हनुमान जी महाराज के छोटो छोटो मत कर मैया मैं हूं बहुत बल वीरा अरे हुकम नहीं मने राम राजा रो पी दऊं सातों समंदर ए मां मने हुकम हुकम कोनी राम जी रो बाकी हां समंदर पी दऊं मगरो कर दूं कोलाई दाला जो हां ये लगा मत पग फेर दोगे सीता जी कह रहे हरि राम जी का दिन रोज आवे मोटी मोटी बात बात करे हां तू के छोड़ छोड़ अरे मैं सीता जी के तू के मैं राम जी तू तो मैं थाने कभी देखी कोन राम जी रहते पल को थारो कभी राम जी रहते पड़ी हुई कोनी तो तू आयो के आयो के तो हैं सीता जी हनुमान जी कहवे अरे नहीं देखियो थन पूरी रे अयोध्या ना सरयू की तीरा देखो मन पूरी रे अयोध्या ना सरयू की ना सरयू की पीरा ना देखो मन संग राम के उतरे कोई रे उबदी रे लगीरा मैं नहीं जाना हनुमान मारा रे बजरंगी महारा थारो हरण मारो मिलन थारा हरण बाद मन मिलो यो दो पद
पवन पुत राम जी पाए पवन पुत्र हूं राम जी पाए को मां जी ने खांचा चीरा मतलब मां आज भी दूध पींदड़ो है और रोम राजा री करू नौकरी थारे अडन आयो ए मां मैं थार कारण आयो बाकी ननन थोड़ी भेर दी फेरी देवणा बोली बात है हनुमान सीता जी कहे मैं तू कहीं करे ते विश्वास नहीं करू तो एक तुलसीदास जी चौपाई लिखी हनुमान जी को विश्वास करे तो ये कर ले नहीं तो पते दूजो तो तंत्र करना ही पड़ी क्योंकि वो कह लातो रा भूत बातो नहीं तो लातो के तो मौन ही मौन हैं तो कौन लगा राम दूत में मात जान की अपन मारवार में रोज आवे तो नहीं हनुमान जी देख रहे चमत्कार नहीं करे तो नमस्कार करे कौन दो हनुमान जी महाराज शरीर बढ़ाओ शरीर बढ़ाओ हर हर डीजल सेट की टंकी जो बढ़ता ही गया तो हनुमान जी तो शरीर हो मगन जी वीर जी बदर हो ने भाका करके भी चमकरो राक्षस के देख के अड्डी नु हुर गड्डी की गुरु सीता जी नजर की गांव आ शक्ति राम जी सीता जी के हेट में ना बड़ बदन में ना हेट में अरे बदन अरे बेटे बाप बेजा तू नीचो के क्यों एक तो हूं हटायो ने एक थाने आवे मार दे कोई तो मार दे हली ले हेट बैठो आडमा जी बड़ा नीचे बैठा छोटो ग्रुप कर पर और कौन जी बा मुंदरी सीता जी निरखे कड़ी हिलते रहे कड़ी पल पर घड़ी नैना कड़ी मस्त रहे हनुमान जी के माँ तू तो मुंदड़ी निरक निरक राधी ने है लेकिन मारे पेट में भूगरा भुआ जी मंगल का गया अरे क्या क्यों क्योंकि माँ मैं प्रण करियो तो जब तक आपरा दर्शन निकलूला तब तक मैं अंजल ग्रहण निकलूला और माँ बगीचे में फूल फूल पुड़िया है थोड़ो नाश्तो पानी कर दो क्यों मैं रात ही गए तो अंटाई दे भूख वाली भती तो बुआ कने के बुआ भूख लागी बुआ के बतू इन बीमारी थार फूक हो जी गया बाकी बीमारी दूजी कोई नहीं रोग हो बेटो भूख आई है तो हनुमान जी के मां थोड़ी बगीचे में केला सेवा पड़ी थोड़ो नाश्तो पानी कर लो सीता जी के हनुमान ठंठा कौन मैं थाने क्यों जो कर दे के कहीं ए पड़ीड़ा खाजे तोड़ दे मत के क्यों सीता जी के सुन मारी बात अरे पड़िया गुड़िया फल खाई के आलो मस्त तल से धीरा धीरा पड़िया गुड़िया फल खाई के आलो मस्त तल से धीरा धीरा लंका नगरी में राक्षस गणरा भगत आवे तारो दुर्बल रे
बदो भगवाना सीता ना बदारे ओ हनुमत धीरा मैं नहीं जानू रे बालाजी महाराज जय हो सीता जी के पढ़िया दिया बड़ा खाई थे हनुमत दर्जे धीरा धीरा पल मले बताई दे रही थी कि राक्षस नगरी में लक्का नगरी में राक्षस खड़ा रहा भगता बेला दुर्बल शरीरा ईर जी एड़ा एड़ा राक्षस बैठा है जो को सीता जी के आके नहीं गिर डाला दल के हाड़ निबुल गिर डाई को बड़ा अरे हरपत थने मार दी तो मारो दुख हल हो मुझे सीता जी ने हनुमान जी के मां तू हमें आज्ञा दे दे हमें एक लपड़ पड़ गई तो अपन कहीं काम रहा नहीं तो हनुमान जी महाराज ने आज्ञा दे है आज्ञा दे तो मगन जी हनुमान जी बगीचे में जावे अरे और फलों हमें देखते हैं हिंदी में फल फड़िया हड़ी जोड़ा कड़ी जोड़ा किलमई जोड़ा खंडा न मुन्ना न मौका हनुमान जी देख रही है राम भगत मैं दुष्ट ना ऐठाड़ा मैं खाऊं ऐठाड़ा को खावा सीता जी कहियो कड़ीड़ा खाओ तो एक तो सस्त्र घोटाड़ो होए हनुमान जी रे और एक बना दे अपने पुरी आलो परमानेंट आटा दे दे पेड़ पटकना हरू करिया अर्जुन जी टाड़ा कर दिया नीचे जड़ो कर दी ऊपर सीता जी करे हनुमान करे कहीं हनुमान के मां फल धरती माते है ठीक ही गयो पड़ीड़ा खावना और करते एक धरती माते जड़ो भली करी वाली घर को लेन जानो बात जड़ो रिनी हुई है पड़ीड़े ले हुई है हैं अब कई राक्षसिया पड़न जंपर लगा हाथ तो या कोई के पकड़ो 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 हमें आते आवे तो पकड़ो कोई को देख के बे ओ एंटी नो है तो का पुतल की दे हां ताटे लग गया हनुमान जी महाराज तड़ की करे धुनी दी जों के खेड़ी रखो का पड़ी कई कर नारे ला माता फोड़ दिया हाको मच मच कड़ो आको मच अब आ कोंटा है ये को हल्का पिंड आओ तो कोंटा है आको कड़ो मच मच अने ओ कोरोना आयो कड़ो आको मच बिर चार दिन कन बेवड़ देड़ो नहीं लागे हैं कड़ो आको मच देड़ो आको मच तो देखिए अगर इन भजन में थोड़ी प्यास आवे कोई भाषण नाथ मत आवे तो भली नाथ आवे क्योंकि राम जी के भजन में एक वे पीरे एक वे गिरे पीरे लागे तो राम जी मिल जाए गिरे लागे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा हैं तो कहवे अरे हरे पंदर पंगरे ओ लंका नगरी में मच गयो हाको रे 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 वानर वाको रे बालाजी मन पग पाता और उठे तो मारो उठी ने नी नाते तो तू हाथ ही ऊंचा कर दे तो मरो परण पूरा हो जा कहीं डर तेरा हाथ ऊंचा करना हूं मेरा पग गई जाए बोले बाला जी महाराज मातसिया यूं बोली हनुमत बांदर बांको रे कानगरी में मच गयो बांदर बांको रे
वानर मान कोरे मंगल मेल दे अरे बंदर बांको लंका नगरी में मच गयो आठ वर्ष का था
मगन जी हार्ट का थोड़ा थोड़ा आकड़े करियो हुयुड़ भेड़ी करी है आठड़े वृक्ष का टाला शीश कोड़े जो पाक मा तो कोड़े दर पे देव रविंद्र लुंगड़ो नारियल साड़ी वाली अशोक वाटिका उजाड़ देनी ने मार कर दियो हड़का का ए पोंचू हाईवे ने नागोड़ा देश नोग ने रोड़ा निकाल दी रुकाली करने वाला कौन माली जी नाम कहीं हो जंबू माली तो माली दौड़ रावले आयो रावण सु कर्म आयो कपी आए के खुशियों बाग में सारो बगीचों की नो उजाड़ माली जी क्या जान के फरियाद फरियाद रावण के क्या है के बाप तो थोंटा नशो करोड़ आदमी होई नहीं वो बोली जी कहीं न बोली दे मन में कहीं दूसरो बोलना चाहो लेकिन बोली जी बेटो दूर जी माली जी जान के बाप दी बगीचे में बोंद रोन बोंद रम बगीचो रावण के कहला के बाप दी बगीचे में बोंद रो आयो माली जी रावण के बोंद रा रो दी अबे बगीचे में अर्जुन जी ही दब जाओ हां आज अड़मा जी राम जी कन रावण बाकी है और आज कई सुलो सुना रहा हूं दांत तुम टूट इन कई धन देखो सर कहवे कौन लगा हां मैं तुमको करियो राम जी कन दावण प्रसंग क्योंकि पूरो सुनो मारे निवेदन हो यूं है कि जो भी चीज सुनो पूरी सुनो और कहवे हनुमान जी महाराज बिने अक्षय कुमार ने भेजा माली जी जान के बाप जी रोज आले जड़ो मंदरो नहीं है सुबह केला नाश्ता सेवन खाओ क्यों जंदा पड़ी तो रावण नो छोटो बेटो अक्षय कुमार तुरंत विद्या ही बनाए रहो वो कहता श्री हमको हुक्म दीजिए हम जाते उस बंदर को पकड़ लेके आते हैं अक्षय कुमार को भेजा लड़न को हनुमंत स्वामी जाते तो बूझे वो भूत काटन नहीं गया हां वो भूत अगर उड़ जाओ तो मोगरी उन्हें कूटता को कूटता नहीं या हिल होटी नहीं मारता हर मंजिल राज अक्षय कुमार वो क्यों दाल हिलाड़ी मारी पट्टी हतो राम माली जी पाते फरियाद करी के छोटोड़ा कुमार सा रोम पूरे होगा उन टाइम रावण ने झटको लाग लिया वानर कोई दूधो है तलवार ले रावण खुदो खुद हम लोगों ने उन टाइम मोटोड़ बेटो मेघनाथ के पिताजी डबो डबो करो कहीं थोड़े इंद्र पानी भरे पवन झाड़ू काटे अगन देव रसोई पकावे सोन सूरज मेलन जोतो ए नव करे पागरे ऊंडा बोंडा शनि सर से और ते गोंदरो में युद्ध करो हड़को लागी मने दो अब मेघ ना जावे आपकी सेनरी टुकड़ी ले तो यदि हनुमान जी महाराज आगे बुढ़ा फल खावे और मेघनाथ आगे बुढ़ा हको करे बंदर साहब साहब मैं मेघनाथ हनुमान जी महाराज के घणकणा निउड़ी जे कोई हलू आउरो मेघनाथ मेघनाथ कन्ने आने के वानर तू मेरे को ऐसा वैसा मत जानना मैं मेघनाथ हूं इंद्र को बंदी बना के लेके आया मेरा नाम इंद्र इंद्रजीत भी लोग कहते हैं हनुमान जी के देख वीरा तू चाहे मेघनाथ है चाहे नाथ है चाहे अनाथ मने की लेनो देनो नहीं है और थारे तो को कोनम अगर ठेठी पड़ी हुई है तो वा कार्ड गिन के और मारी मारी बात कौन खोल हुन ले के मारी बात कौन खोल हुन ले हां इजी होगा दोस्तों अरे के काई के थारे परमन जी के कौन खोल हुन काई हुन नो कयो के इजी के चाय बनी मेघनाथ ने के थारे सूर्यो भालो चकड़ो तीर कमण की भी बाणा वे बे हमारे पहला बात मेघनाथ के पछे हनुमान जी के मैं हारू करी पति हमसार देवनी धर पाछो आयो को है वे हैं गए देख ले ढिकला तागुड़ा टी बढ़िया अरे अब मेघनाथ मगन में एक खंडर प्रार करे और हनुमान जी महाराज रे की नी बिगड़े खाली दे रूम तो कटे अन बंदो खिलो नी न मिल पना ना भू भू कुकन डुबो हनुमान जी महाराज के रे केला थारो लंका मुल्टो नी आयो के क्यों केला कूटे मने रोई तू ओ किनो करो नी आवे मेघनाथ कह रे वीरा मैं रो थाने कुटनाले में नहीं तो मैं रो इन खंडे ने
की कर के ओ खंडो हागी मारो खंडो दुश्मन ने खत्म कर तेरी प्याड़ में धूपन मार खाने आवे जको थारा धणी तो खाली दे डूब तो इस कच्चियो आडमाजी महाराज के धन्यवाद है थारी मां बाप धन्यवाद है जो माता पिता जो थाने जन्म दियो जो थे के डेड रूम को खंडो करियो बाकी माई रो लाल संसार में पैदा कोई अभी नहीं है जो हड़बंद रो पाड़ पाड़ को करे आखिर में इंदर मेरा पे सारी शक्ति सला दी पर हड़बंद जी महाराज रे माता की असर को करियो आखिर में ब्रह्म जिन्हें अपने थोर पैर ने आज जिन्हें ही क्या करा वो जिनो ही ब्रह्मस्तर छोड़ियो तो हनुमान जी साफ का तुम कच्चे धागे में बनता कोनी लेकिन आ भाई विनोद आले हनुमान जी साफ का तो बनता कोनी पण भगवान मर्यादा पुरुषो तुम्हारा पाए तो मेरे कारण ने ब्रह्मा जी की मर्यादा राख तोड़ी को और उन कच्चे धागे में मैंने हनुमान जी महाराज बन जावे और मगन जी चारो मेरो राक्षसियो रो घेरो पूंछड़ की उठा गया रे घणो तंग कर तंदूर वालो कर देला अब रावण ने मेल में ले जावे जिन टाइम मेल में ले जावे उन टाइम रावण ओ यो हम मत कर इस पे मेल रावण ले जावे उन टाइम रावण सबार मैंने कचड़ी भरीड़ी हनुमान जी ने बीचे उबा रखे हनुमान जी महाराज ने रावण देख पुराण कहे बानर लंका के अंदर चोरों को सजा भयंकर मिलती है कहीं कहो यहाँ लंका के अंदर चोरों को सजा भयंकर मिलती है हनुमान जी महाराज के मेरी बात सुन कि जिसके घर घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते क्या कह कर कि तू मने चोर करे चोर के है खुदा खुद क्यों पर हुकारा बेटा हो यो खुद किया तो थे हुकार हो क्या किन कर गया ए भैया मैं तो खाली आयो हूं वो भी दूध की पदवी के बराबर आयो हूं मैं समझदार लेके आया हूं मैं एक दूध बनकर आया हूं चोर बनकर नहीं आया हूं लेकिन तूने तो मां सीता की चोरी की और चोरी की है तो इन वास्ते तू खुद चोर है सजा कोई दे और पहला थारा तो लंका में तुम यहां भी नहीं अर्जुन जी जाओ मत और लंका में न्याय नहीं है और आधे टाइम घरे दाव गो तो पड़े मगन जी हाथी बात है कोई मारा उधर मग सम दौरा तो कहीं कोई मास और ऑन्सर होगा अरे तो पहला तो उनका हरवार दाव तो पाला दाव महीनों दाव तलाक तो महीनों आऊं तलाक मास और हम देख महीनों दाव तलाक है महीनों आऊं तलाक है साधु नहीं है ना पालो दाव ना पड़तो मास और कहीं हाथ आते ही बेटा छोटकी ओ लिख में पता ही रम दो मां सारा फूल दे दीवान में मेल दी वो भाई को जो तू जड़ो है थी के कायलन डेड़ी नदी देखी फूल हरा दिया और बाजार में आज का हेमोन को टोंटाई दे मिले ये हेमोन ले और रवाना हो गया और रवाना हो गया महीने गांव को वे गांव वाला के ठेठ को गयो के कुड़ के दी ए चुटियां झारियां फूलियां अपने ढणी थोड़ी मिले और सबूतन मार कर देख ले हाँ भाई विनोद जी तू क्यों सबूत है मार गए अरे बेटा ने बाप महीनों जाम से लगे महीनों आम से लगे और तू महीने उजान आ गयो मैं मन नहीं वो के मैं दिन रात रात वालों महीनों गण दिन वालों गण किता भाई दो है कोई दूसरे देख के हमें ठाकुर है तो सुबह सुबह पूछो सुबह वो रोटी दी तो मोटोड़ बेटे के गमडिया तू मां ने ठेठ को ले गई क्या कुड़ गई वो गमडियो के मां रात मारे हाथ आते अपने माई और मने के छोरो गमडियो मने पीछे ही छोड़ दी मगन जी वो रोटी जीव तो के मां ही भणी है आज आधे टाइम भणी आई जो धगे तार के रद्वार आ जाते आधे टाइम पास भणी को खायो पास तो के जगत आती रहती तो हनुमान जी महाराज के देख पहला दूत ने आशीष दे पच कोई बात कर रावण कह रही मेरे दुश्मन के दूत को आसन नहीं है हनुमान जी महाराज के चिंता मत कर बंधकन परमानेंट क्योंकि हनुमान जी महाराज शंकर अवतार है तो हनुमान जी महाराज जिन टाइम सूर्य ने निकलियो नहीं उन टाइम हनुमान जी महाराज ने सब देवता आशीर्वाद दियो
सब सब पवन माया कुबेर धन जिन देवता ने याद करता हनुमान जी महाराज देवता ने आवणो पड़तो क्योंकि सबर देवता रो वरदान दियो तो हनुमान जी महाराज के बंधक ने परमानेंट चिंता मत कर हनुमान जी महाराज पूंछड़ किरो गोईडो बिना रावण सात पुत्र थक और जान केवण लागे के देख भाई मैं तने समझावण वास्ते आयो कहीं समझावण आयो के थारे में होनी हवा लाख नियति होती है राशन कार्ड थोड़ो लंबो है आ चोरी के हैंग राशन कार्ड में हैंग कमारा है आ तो है कोई आदत दर पंडेड़ा भी है तो उमर घराली गयरे तू पीली चूंद की ओडियोड़ी देखनी चावे और लाल चूड़ी हाथ में देखनी चावे और रंडा पो नी देनो चावे और कालो नी उड़ानो चावे तो माँ सीता ने तू पाछी उगा दे राम जी दया सागर तने माफ कर दे रावण कह रहे तने जावण देव तो तू इतनी मोटी मोटी बात करे मैं तने थ जावण देव तो अब इतो कयो ने मगन जी सबर मैंने बयो ऊंची चार चार कई मिट्टी पुड़ारा खाऊ बैठा के कोई कहे ने मार दो कोई कहे ने बाड़ दो कोई कहे ने जाल दो कोई कहे ने टुकड़ा कर दो हनुमान जी महाराज के थे की जतन करो तो हूं थारो मन नालो कोने आ विनोद जीतू भाई मैं तो मन नालो नहीं हूं क्यों क्योंकि देख आदवा ने मैं थारे मार दिया और आदवा ने मु बड़े मेल दे तो यूं करो कि मैं थारी मन मार मारी मौत मैं आप ही थाने बतपन कहीं के बोंदरे प्यारी कहीं वे के पूछ थे मारी पूछड़ी के ऊपर आग लगाओ मैं मत ही खत्म हो जाऊं राज जा कह रे बोंदरी ओ बोलो खुदरी मौत बतावे मनोदरी के ओ बोलो कोनी गजबरो बोलो है थारो मुंडो कालो कर दई रावण के चुप तिरिया की अकल एडी मोती है आप ना बोले ये जैसे बंदर कहता है वैसे कीजिए हनुमान जी महाराज सभा में कहेंगे नहीं अरे लाज ततन करो मोकू मारो 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 अरे मैं मरने को नाही मैं मरने
फटकर पूंछ ऊपर आग लगी, आग लगाई है और मगन जी रावण कयो कौन जी ओ बोंदरियो घेरे बारे हरे जानो नहीं दे बोंदरियो घेरे बारे नहीं जानो नहीं दे क्योंकि मगन जी बोंदरो कूड़ो हो जाओ बोल गुड़ा जी कौनो भूले कौन है और रावण कयो रे राक्षसों आड़ो चौमड़ो दोरो घणो बड़े ओ कूड़ो नहीं दे दे घेरे बारे नहीं जानो नहीं दे हनुमान जी के रस तो सारे हम हो जो खुल्लो तो कहीं करें अरे पहलो कर सकी हो रे सभा में दाढ़ी मुंह सजना आई दाढ़ी मुंह सजना आई पहलो कर सकी हो सभा में दाढ़ी मुंह सजना आई दाढ़ी मुंह सजना आई धीरे धीरे ने और लंका झाड़ो झाड़ कर दी पार्वती रो काल दो बड़ी हो गया लंका झाड़ो झाड़ बड़ गया और एक घर को बड़ी हो गया क्यों विभीषण ने कुछ किया भगवान का कर दिया अब वो लंका झाड़ और हनुमान जी महाराज कठिन दावे ए लंका झाड़ बुद्धि बुझावे अरे समुद्र भी मगन जी मच्छी मुखार बन में पसीने री बूंद पड़ी उनो जन्मियो मकर ध्वज जो रात्रि ते मगन बालाजी ने अदरात नारे चढ़ाया करो ओ हमें दिया कर इन टाइम बालाजी की धूपरी टाइम है क्योंकि धूपरो भजन होया करे तो क्यों जी निवेदन करूं एक नारायण चढ़ो बालाजी ने कहवे वीर गति दी नी थी उन वीर हनुमान जी रो नारायण चढ़िया करे तो कहवे समुद्र में पूज बुझावण गया हनुमान जी समुद्र धक धक दौड़े हनुमान जी कह रहे केला मारी पूज बड़ा तू धक दौड़े के बाप जी हां मैं छाती मारूं तो चले कोने तो के तो क्यों तो अपुटा पुर हनुमान जी के अपुटा पुर तो लंका होने दे समुद्र के गर्द रदन भुर जाओ निकल बोल
जय हम हनुमान जी मोहन जी कूट ले लंका होने जावे वो एक करनी बड़े देखो है जय जना पूजिया कावत के लंका में रहो दाल आ कावत हो दिन कौन जी हरु होइए और कौन शांत कर और हनुमान जी महाराज सीता माता कने आवे मगन जी और मान के मां मैं तो वो पार्वती रो श्राप रो पालन करियो और मन हुक्म नहीं है राम जी रो बाकी लंका ने कंदोर रे भवन ले जाऊं मन हुक्म इतो ही दे आपरा समझता लाओ और वैसे प्रभु मारे प्रभु ने मारो पर अति विश्वास है फिर भी आप कुछ सैलानी दो तो मैं दे दूं तो मगन जी हनुमान जी महाराज सीता जी ने चूड़ामणि दी चूड़ामणि कहने 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 मन लागे बड़ी मार लाया कौन कदी कदी कौन पियो बोल लाओ ना कौन जी हां ए लाया दी के मन ताए कदी सारे कदी कदी लाया जुड़ो जुड़ो छोटी बकल हां और हनुमान चुड़ाओ मणि इने इने कहे चुड़ा मणि वो चुड़ो मणि चुड़ा मणि चुड़ो मणि फर्क है तो ए कदी कदी लाया दी के मन लागे दादी साहब लावे जगह न खाए तो चुड़ोमणि ले और हनुमान जी महाराज पाचा रामदल में आवे और कहीं तुलसीदास जी लिखे हैं तो एक पहला दुबरू भजन है वो सुनिएगा